बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज मेरठ पहुंचकर शहीद राम सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इससे पहले वे सेना के हेलीकॉप्टर से सुबह पुलिस लाइन पहुंचे थे। यहां से कार द्वारा वह गंगानगर के ईशापुरम पहुंचे। यहां जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर शहीद होने वाले राम सिंह के परिजन रहते हैं। यहां भारत जिंदाबाद व पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह कहा। 18 तारीख को ऑपरेशन बदरी हुआ। ऑपरेशन बदरी में हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें जो आपका दाना 3 किलोमीटर एनी यानी कि नॉर्थ ईस्ट में ये है आपका थाना मंडी राजौरी के पास ही ये घटना घटित हुई। और ये जो नालों था राजौरी का जहाँ पर हमारी फौज थी उसको स्टॉप कर रहे थे, रुकवा रहे थे उसको कि कहीं उसमें चढ़ ना जाए कोई, जैसे स्टॉप करते हैं नालों पर, एक किस्म से ये लगाइए कि बाढ़ लगा रहे थे। तो गन्ने के खेत से या मक्की के खेत से जो भी था, मक्की का खेत, उससे गोली आई और वो गोली आई तो उनके पेट को छेदते चले गई और बाईं थाई में उनकी जो लगी हुई है ये आया है GSW एब्डोमिन एंड लेफ्ट थाई, वो बाईं थाई में इनकी लगी और इन्होंने ऐसी हालत में भी एक आतंकवादी को वहीं गिरा दिया। और दूसरे दिन जब इनको शिफ्ट किया गया कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में, वहाँ फिर इनको डेथ डिक्लेयर किया गया। और बहुत बहादुरी से लड़े, हमको नाज है, पूरे देश को नाज है। और बहुत ही हंसमुख थे, बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे। उनके बारे में जो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं सारी चीज़ें, मैंने हिस्ट्री मंगाई वहाँ की, तो बहुत ही पॉपुलर। और सबसे बड़ी बात यह है कि NDA और IMA में इंस्ट्रक्टर थे, वहाँ भी जाते थे। जो NDA और IMA में इंस्ट्रक्टर जाते हैं तो वो यानी कि ऑफिसर तैयार करते हैं देश के लिए, उनको इतना ज्ञान होता है। इस तरह से इनका लगातार वहाँ पर एक अच्छा प्रभाव था सेना के अंदर भी। अभी पूरी सरकार जो देयक होते हैं, मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा क्या दे रहे, लेकिन जो अटल जी ने जो शुरुआत करी थी कि घर में शहीद की बॉडी भेजना, उसको सैल्यूट करना, वो निरंतर चल रहा है और मोदी जी ने उसको काफ़ी आगे बढ़ाया है। हमारे वेलफेयर क्या स्कीम्स हैं, हमारी और स्कीम्स क्या हैं, और हम अगर शहीद होते हैं तो क्या हम देते हैं, सारी चीज़ें, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी एक किस्म से सरकार ने ली है। अब ये परिवार देश का परिवार है, वैसे तो सारे देश के परिवार हैं, परंतु हमारी बहन सुबेदार साहब की पत्नी वो देश की बहन है, उनका बेटा देश के बेटे हो गए हैं। मैंने पिताजी को भी बताया कि अब अकेले आपके बेटे नहीं हैं, आपने जन्म जरूर दिया है लेकिन जन्म के बाद ये आज पूरे देश के पुत्र हो गए हैं, इन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने को कुर्बान किया है। उधर बीते दिवस शहीद सूबेदार राम सिंह भंडारी के नाम पर शहीद द्वार व मार्ग बनाने की मांग बुधवार को गढ़वाल सभा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी KBalaji के समक्ष रखी। मवाना रोड से शहीद के घर तक सड़क का पुनः निर्माण कर शहीद के नाम पर नामकरण, मवाना रोड से ईशापुरम तक शहीद द्वार और राम सिंह की प्रतिमा संक्षिप्त परिचय के साथ, और शहीद के इकलौते पुत्र सोलन में बेटी मीनाक्षी को राजकीय सेवा में योग्यता अनुसार स्थानीय क्षेत्र में नौकरी देने की मांग की गई। DM ने शहीद के परिजनों की सहायता करने का आश्वासन दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।